अगर आप एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम खेलना चाहते हैं तो मार्क ऑफ द डूम बैटलफील्ड 1 गेम आपके लिए काफी अच्छा होगा। अगर आप इस गेम के बारे में जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं इस गेम को आप पीसी में चलाने के लिए आपके पीसी में क्या क्या हार्डवेयर की जरूरत होगी तो ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं नाम है निशान चौधरी, आप देख रहे हैं निशान भारत। लेट्स स्टार्ट। अगर हम बैटलफील्ड 1 गेम की बात करें तो ये गेम आपको लगभग काउंटर स्ट्राइक और कई सारे फर्स्ट पर्सन शूटर गेम की तरह मिलता है। इसमें आपको अपने एनिमीज को मारना होता है और ये एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है, इसे आप अपनी टीम के साथ खेल सकते हैं। इसमें आपको कई सारे एनिमी होते हैं, उन्हें मारना होता है, जैसे कि आपको कॉल ऑफ ड्यूटी मिलता है, ठीक उसी तरह ये गेम आपको मिलता है। इसमें आपको अपने एनिमीज को मारना होता है। अगर हम इस गेम के डेवलपर की बात करें तो इस गेम को डेवलप किया था EA Disney। अगर पब्लिश की बात करें तो इस गेम को पब्लिश किया था इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स ने। अगर हम इस गेम की रिलीज डेट की बात करें तो इस गेम को कंपनी ने मार्केट में 21 अक्टूबर 2016 को उतारा था। अगर बात करें इस गेम की प्राइस की, यानी कि इस गेम को अगर आप स्टीम पावर से खरीदते जाते हैं तो इस गेम को आपको 1,200 रुपये में से आप गेम को खरीद सकते हैं। अगर हम बात करें सीपीयू की, यानी कि इस गेम को अपने पीसी में चलाने के लिए आपके पास मिनिमम हार्डवेयर की क्या जरूरत होगी, इसमें अगर इस गेम को आप मिनिमम हार्डवेयर में चलाना चाहते हैं तो आपके पीसी में इंटेल कोर i5 का 6th जनरेशन सीपीयू होना चाहिए। अगर रैम की बात करें तो इस गेम को आप चलाएंगे तो आपके पीसी में 8GB की रैम, और ग्राफिक की बात करें तो इसमें आपका पीसी में होना चाहिए GTX 660 ग्राफिक कार्ड, और आपको 50GB की हार्ड ड्राइव की जरूरत होगी। अगर आप इस गेम में 30FPS यानी 720p के साथ 30FPS लेना चाहते हैं तो इस गेम को खेलने के लिए आपको इन हार्डवेयर की जरूरत होगी। अगर बात करें और ज़्यादा में, यानी कि आप इस गेम को 60FPS के साथ 1080p ग्राफिक में खेलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए इंटेल कोर i7 का 4th जनरेशन CPU, और GPU की बात करें यानी ग्राफिक की, तो इसकी गेम को चलाने के लिए आपको पीसी में चाहिए GTX 1060 ग्राफिक कार्ड। अगर रैम की बात करें तो इस गेम को आपको 1080p पिक्सल में खेलने के लिए आपको चाहिए होगी 16GB की रैम, और हार्ड ड्राइव आपको वहीं 50GB की चाहिए होगी। ये एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पता चल चुका होगा बैटलफील्ड 1 गेम खेलने के लिए आपको पीसी में क्या क्या हार्डवेयर चाहिए और इस गेम को डेवलप किसने किया था, ये आपको मार्केट में कब अवेलेबल हुआ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।